दोस्तों चलिए पढ़ते हैं अ टाइगर इन द ज़ू पोएम की पहली चार लाइनें। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। ही यानी कि वह टाइगर स्टॉक्स मतलब अकड़कर, बिल्कुल अकड़कर जैसे कि शेर और टाइगर चलते हैं। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, विविड मतलब कि स्पष्ट बिल्कुल क्लियर, स्ट्रिप्स माने विविड माने बिल्कुल क्लियर और स्ट्रिप्स माने धारियाँ, जो उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं उन्हें कहते हैं स्ट्रिप्स यानी वो धारियाँ। तो पहली लाइन में है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ केज। वह अपनी स्पष्ट धारियों के संग अकड़कर अपनी केज में कुछ कदम चलता है। यहाँ पर फ्यू स्टेप्स इसलिए बोला गया है क्योंकि जो टाइगर की केज होती है वो कुछ लिमिटेड एरिया की ही होती है, तो टाइगर उसमें फ्यू स्टेप्स ही चल पाता है, वो उसमें ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाता है। अगली लाइन पढ़ते हैं ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स का मतलब टाइगर के पंजे के नीचे का हिस्सा जो होता है उसे पैड्स कहते हैं। वेलवेट गद्देदार, वो गद्देदार होते हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट ट्रीज, वो उस अपनी केज में अपने गद्देदार पंजों के साथ अपने क्वाइट रेज में चलता है। क्वाइट माने शांत, रेज गुस्से से चलता है। यहाँ पे शांत गुस्सा क्यों कहा गया है, क्योंकि गुस्सा कभी शांत नहीं होता, लेकिन यहाँ पे टाइगर का जो गुस्सा है वो बड़ा शांत है, इस क्योंकि वो अभी जंगल में नहीं है, वो ज़ू में है, वो सब नहीं कर सकता है जो कोई जंगल में कर सकता था, इसलिए उसका गुस्सा उसे बहुत आता है लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए वो क्वाइट है। यहाँ पे वो कुछ कर नहीं पा रहा है इसलिए वो बहुत शांत है। अब मान लीजिए आप किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाए, पहले आप इतना घूमते थे खेलते थे लेकिन अब आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आपको बंद कर दिया है, वो गुस्सा तो आएगा लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप बंद हैं, आप बंधे हुए हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए अब अगली चार लाइनों की तरफ चलते हैं। कि पहली चार लाइनों में टाइगर जब जू में होता है तो उसके संग क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन अब अगली चार लाइनों में अगर वही टाइगर जंगल में होता तो वो क्या करता हमें उसके बारे में पढ़ना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। यहाँ पर लर्किंग का मतलब होता है घात लगाना, लर्किंग का मतलब होता है घात लगाना। तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, मतलब अगर वो जंगल में होता तो वो किसी घासों में सरकते सरकते चुपचाप घात लगाता। किस पर लगाता वो हमें अगली दो लाइनों में पता चलेगा। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। वाटर होल यानी कोई भी पानी का स्रोत, छोटा मोटा से तालाब, वेयर प्लम्प डियर पास। डियर तो आप सब जानते ही होंगे, ये मुझसे थोड़ी स्पेलिंग में गलती हो गई है, इधर होगा डी डबल ई आर, डियर डियर होगा। तो वेयर प्लम्प डियर पास, तो इसमें फिर पढ़ते हैं ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प का मतलब होता है ताजा मांस। तो अगर वही टाइगर जंगल में होता तो वो किसी नदी के किनारे पानी पी रहे हिरन पे घास में चुपचाप सरकते सरकते उस पर घात लगाता, जहाँ पे एक ताजे मांस वाला डियर पानी पी रहा होता। तो अगली चार लाइनों में हमें पोइट ये बताते हैं। चलिए फिर अगली चार लाइनें पढ़ते हैं। तो अगले स्टैंजा में उसे अगले स्टैंजा में भी पोइट कहते हैं उसे जू में ना हो, टाइगर को जू में नहीं होना चाहिए था, उसे जंगल में होना चाहिए था। अगर तब वो जंगल में होता
तो कहते हैं पोइट, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। यहाँ पर स्नार्लिंग का मतलब है गुर्राना, दहाड़ना, दहाड़ना। एट द जंगल्स एज, ये जंगल्स एज वो एरिया होता है जहाँ पे जंगल एंड होता है और विलेज चालू होता है, मतलब वो आपने पिक्चरों में देखा होगा पहाड़ी सी होती है, जहाँ पे मोगली वाली पिक्चर में जंगल में, जंगल बुक में भी वहाँ पे खड़ा होता है और विलेज को देखता है वो, तो वही है जंगल्स एज। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, बियरिंग नंगे, वाइट फैंग्स सफ़ेद दांत, क्लॉज पंजे। टेररिजिंग द विलेज, टेररिजिंग मतलब डराना। तो इनका हिंदी में मीनिंग देखते हैं, ही शुड बी स्टार्लिंग अराउंड हाउसेस, उसे एट द जंगल सेट, उसे जंगल के एज पे खड़े होके दहाड़ना चाहिए था विलेज के घरों के पास। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, उसे अपने सफ़ेद और नुकीले दांत दिखाने चाहिए थे, वो अपने क्लॉज को दिखाता और विलेजर्स को डराता। टेररिजिंग द विलेजर्स, इस वाले पैराग्राफ में, इस वाले स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि उसे दहाड़ना चाहिए था जंगल्स के एज पे खड़े होके, वो गांव वालों को डराता अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाकर। तो इस पैराग्राफ में केवल इतना ही है, अब हम पढ़ेंगे अगला पैराग्राफ, चलिए चलते हैं। लेकिन फिर पोइट कहते हैं, लेकिन फिर पोइट कहते हैं, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो एक कॉन्क्रीट के सेल में बंद है, सेल मतलब पिंजरा। हिज स्टैंड बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज गेज इग्नोरिंग विजिटर्स, लेकिन वो एक कॉन्क्रीट के सेल में बंद है, उसकी जो सारी शक्ति है वो अब उन कॉन्क्रीट के सेल के पीछे आ चुकी है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज गेज, स्टॉकिंग का मतलब मैंने आपको पहले बताया था अकड़कर, वो अकड़कर उतना ही चलता है जितना उसकी केज की लेंथ है, वो केवल उतना ही चल पाता है क्योंकि केज एक लिमिटेड लेंथ की होती है, आप सब जानते हैं। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो भी विजिटर्स उसको देखने आते हैं उनको वो इग्नोर करता है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि जब टाइगर जंगल में था अपनी मनमानी करता था, लेकिन जब वो जू में आ गया है तो उसकी सारी पावर्स लिमिटेड हो गई हैं, उसका रहने का एरिया लिमिटेड हो गया है। जंगल में था जब वो, उसे पूरा जंगल मिलता था टहलने के लिए, शिकार करने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसे शिकार का भी आनंद नहीं मिल पाता है, उसे तो वो जू वाले देते हैं वही खाना पड़ता है। इससे जू वाले टाइगर की ज़िंदगी बहुत बेकार है एक जंगल वाले टाइगर से। अब आखिरी स्टैंजा में पोइट बोलते हैं कि जो टाइगर है वो अब रात की बात कर रहे हैं, रात में पेट्रोलिंग कार्स जो जू में देखती है कि यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, पेट्रोलिंग कार्स। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो वो रात में एक आखिरी आवाज़ सुनता है उन पेट्रोलिंग कार्स की, जो कि जू को देखती हैं यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है या फिर किसी जानवर को कोई असुविधा तो नहीं हो रही है, वो होती हैं पेट्रोलिंग कार्स। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो अपने उस कॉन्क्रीट सेल में बैठा बैठा ऊपर स्टार्स को देखता है अपनी ब्रिलियंट आइज से। टाइगर की आइज भी रात में चमकती हैं और जो स्टार्स होते हैं वो भी चमकते हैं, इसलिए दोनों के यहाँ पे ब्रिलियंट लगाया गया है। एंड स्टेयर्स विथ हिज, स्टेयर्स माने देखता है, ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो यहीं पे ख़त्म होती है ये पोयम। अब इसमें टाइगर जो है स्टार्स की तरफ देखता है, वो स्टार की तरफ इसलिए देखता है क्योंकि उसका जू में कोई दोस्त नहीं है, वो अकेला है, एक तो जंगल में उसके सारे दोस्त होते, तो वो अपना दोस्त उन सितारों को बनाना चाहता है, वो आसमान में देख रहा है और वो कल्पना करता है कि अगर मैं जंगल में होता तो मुझे इनको देखने में ज़्यादा मज़ा आता, अगर
अगर मैं जू में हूँ तो मुझे इनको देखने में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। मैं जंगल में होता, खुली हवा होती, तो मैं स्टार्स को देख के खुश होता, लेकिन मैं स्टार्स को देख के दुखी होता हूँ कि मैं जंगल में क्यों नहीं हूँ। इसके साथ पोएम ख़त्म होती है। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।